संजय लीला भंसाली की अपकमिंग फिल्म पद्मावती को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। फिल्म की रिलीज से पहले राजपूत समाज के लोगों ने थिएटर में आग लगाने, तोड़फोड़ और हिंसा की धमकी दी है। इसी बीच उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक राजपूत नेता ने ऐलान किया है कि जो शख्स संजय लीला भंसाली का सिर काट कर लाएगा उसे 5 करोड़ का इनाम दिया जाएगा। बता दें कि फिल्म में रणवीर सिंह खिलजी, जबकि दीपिका रानी पद्मिनी और शाहिद कपूर राजा रावल रतन सिंह का किरदार निभा रहे हैं। क्यों हो रहा है फिल्म का विरोध? दाश कहा जा रहा है कि फिल्म में हमलावर अलाउद्दीन खिलजी का महिमा मंडन किया गया है, उसके गलत कामों को भी बड़ा चढ़ाकर दिखाया गया है। दाश इसके अलावा रानी पद्मिनी और खिलजी के बीच ड्रीम सीक्वेंस को भी फिल्माया गया है। इसके अलावा घूमर डांस को लेकर भी विरोध हो रहा है। दश कहा जा रहा है कि फिल्म में राजपूत समाज की गलत छवि दिखाई जा रही है, क्योंकि घूमर नृत्य पुरुषों के सामने नहीं किया जाता। दीपिका को बताया नाचने वाली, करणी सेना के प्रमुख लोकेंद्र सिंह ने दीपिका को नाचने वाली बताते हुए कहा, फिल्म में राजपूत रानी को गलत तरीके से दिखाया गया है। अगर फिल्म रिलीज हुई तो हम सिनेमा घरों में आग लगा देंगे। जब तक फिल्म पूरी तरह से बैन नहीं हो जाती, हम इसी तरह विरोध करते रहेंगे। दीपिका बोली, रिलीज होकर रहेगी फिल्म। दीपिका के मुताबिक, एक महिला के रूप में मुझे इस फिल्म का हिस्सा बनकर काफी खुशी और गर्व है। हम अगर किसी के लिए जवाबदेह हैं, तो वो है सिर्फ सेंसर बोर्ड। मुझे पूरा भरोसा है कि सेंसर इस फिल्म को रिलीज करने के लिए सही न्याय करेगा। सर्व ब्राह्मण सभा ने खून से लिखी चिट्ठी। जयपुर की सर्व ब्राह्मण महासभा ने सेंसर बोर्ड को चिट्ठी लिखकर फिल्म पर बैन लगाने की मांग की है। इसके लिए महासभा के मेंबर्स ने चिट्ठी में खून से हस्ताक्षर किए हैं। 1 दिसंबर को भारत बंद का ऐलान। राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष लोकेंद्र सिंह कालवी ने कहा है कि अगर यह फिल्म रिलीज होती है तो हम भारत बंद बुलाएंगे। इसके साथ ही देश भर में फिल्म विरोधी रैलियां की जाएंगी, जिनकी औरतें रोज शौहर बदलती हैं, वो जौहर क्या जाने। उज्जैन से सांसद प्रोफेसर चिंतामणि मालवीय ने एक फेसबुक पोस्ट में कहा, भंसाली जैसे लोगों को सिर्फ जूतों की भाषा ही समझ आती है। उन्होंने यह भी लिखा कि जिन फिल्मकारों की औरतें रोज अपने शौहर बदलती हैं, वो क्या जानने जौहर क्या होता है। बता दें कि मालवीय से पहले बीजेपी नेता गिरिराज किशोर, उमा भारती, साक्षी महराज और गुजरात बीजेपी भी इस फिल्म को लेकर आपत्ति जता चुकी है। फिल्म के बजट की जाँच जरूरी। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने हाल ही में एक बयान में कहा कि सबसे पहले फिल्म के बजट की जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि आखिर इस फिल्म में पैसा कौन लगा रहा है, जिसकी वजह से भारतीय संस्कृति को धूमिल करने की कोशिश हो रही है।